नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री। इस समय मैं खड़ी हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर, जहाँ तमाम पत्रकार दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। बता दूं, 16 जुलाई को अफगानिस्तान में रूटर्स की तरफ से एक वॉर कवर करने के दौरान फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। असाइनमेंट के दौरान उनको गोली लग जाती है, जिसके बाद उनकी मौत की खबर सामने आती है। इस समय ये तमाम पत्रकार उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दानिश सिद्दीकी सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं थे, उनकी तस्वीरें बोलती भी हमें दिखाई देती थी। खास बात दानिश की, आप कोई भी उनकी तस्वीर देख लीजिए, आप दिल्ली दंगों के दौरान की उनकी तस्वीर देख लीजिए, बिना कोई शब्द कहे एक तस्वीर में उन्होंने सब कुछ बयां कर दिया। जिन तस्वीरों के उन्हें पुलित्जर मिला, मुझे लगता है कि रॉयटर्स भी इस बात को बहुत ही प्राउडली बताता होगा कि उनको पुलित्जर मिला बिकॉज ऑफ दिस जर्नलिस्ट दैट वी हैड एंड वी डोंट हैव हिम एनी मोर। जो जुनून था उनमें फोटोग्राफी का, और जिस तरह से उन्होंने साउथ एशिया में जो जो नामी फोटोग्राफर थे उनमें उन्होंने नाम कमाया, तो एक छोटी सी उम्र में, छोटी सी आयु में उन्होंने वो सम्मान अर्जित किया जो पूरी ज़िंदगी लोगों को लग जाती थी, तो वो एक जुनून था जिस जुनून को वो सम्मान मिला। दानिश एज ए फोटोग्राफर बहुत अच्छा था, उसके काम को बहुत बहुत लोग पहचानते थे। काम के साथ साथ वो एक अच्छा ह्यूमन बींग था, बहुत अच्छा बाय हर्ट, बहुत अच्छा था। तो इसलिए दानिश को मैं सीए के दौरान मिली थी, और क्योंकि मैं भी एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, फोटोग्राफ़र ऑन स्पॉट जाके फोटोग्राफी करता है, जबकि रिपोर्टर फ़ोन से भी कर सकता है रिपोर्टिंग, फोटोग्राफ़र हमेशा स्पॉट पे जाता है। तो दानिश का जाना हम सबके लिए, भारत देश के लिए बहुत क्षति का है। उसके फोटोग्राफ्स एक तरह से उसकी प्रोफेशनलिज्म दर्शाते हैं, और जो आखिरी अफगानिस्तान में हुआ वो भी दिखाता है कि आखिरी दम तक वो फोटोग्राफी और अपने प्रोफेशन को आगे रखते थे। उनका हथियार अपना कैमरा लेंस था, और मैं हमेशा मानता हूँ कि फोटोग्राफर और वीडियो जर्नलिस्ट ही असली जर्नलिस्ट होते हैं। हम आराम से स्टूडियो में बैठते हैं या जमीन पर भी होते हैं, पीछे होते हैं, वो फोटोग्राफर आगे होता है। तो मुझे लगता है दानिश एक तरह से एक सिंबल है कि जो आजकल पत्रकारिता पर बहुत कीचड़ उछाली जाती है, लेकिन दानिश प्रतीक है कि अभी भी पत्रकार है जो दुनिया के सामने एक आईना रखते हैं, और दानिश उस तरह का पत्रकार था जिसने वो आईना रखा। हमारे जो फोटोग्राफर है, हमारे जो फोटो जर्नलिस्ट है, वो वार जोन में काम करते हैं, वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम करते हैं, वो उनको ग्राउंड पे जाना पड़ता है, और दे आर बेसिकली ट्रू वॉरियर हैं वो हमारे, और उन फोटोग्राफी के बिना कोई भी जर्नलिज्म देश में नहीं हो सकता, ना विदेश में हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हमने कभी भी एक किसी फोटो जर्नलिस्ट के लिए इतना लोगों के अंदर प्यार और इतना कंसर्न देखा। और उनकी जो तस्वीरें थी, दानिश सिद्दीकी सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं थे, उनकी तस्वीरें बोलती थी। तो दानिश का है वैसे शांत स्वभाव का था, बट उसकी जो पिक्चर जो बोलती थी तो वो तहलका मचाती थी। तो दानिश बहुत अच्छा, हमने बेहतरीन एक फोटोग्राफर को जो है हमने अपने बीच में से खोया है। दानिश क्योंकि 3-4 साल से जो है दिल्ली के अंदर था, और उसका जो है व्यक्तिगत जो है लोगों से स्वभाव बहुत अच्छा था, और हम कह सकते हैं हम उसको बहुत मिस करें।